मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लस वन आर्ट्स हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 24 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 24, चैप्टर एन एम्पायर एक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट्स। ठीक है भाई, तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मेंट बाय लेट एंटीक्विटी। लेट एंटीक्विटी, एंड विच रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेशन चेंज वर मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। During this period, answer: What is meant by late antiquity? सबसे पहले तो इसका आंसर, the term late antiquity term late antiquity is used to describe the final fascinating period in the evolution and breakup of the and breakup of the Roman Empire and refers broadly to the to the 4th to the 7th century 4th to 7th century theek hai bhai. This period was full of many cultural full of
मैनी कल्चरल एंड इकोनॉमी इकोनॉमिक फेरमेंटेशन फेरमेंटेशन कुछ एक चेंजमेंट हुई, जैसे फर्स्ट चेंजमेंट हुआ किसमें, रिलीजियस, रिलीजियस चेंज, इन द फोर्थ सेंचुरी एम्परर कॉन्स्टेंटाइन मेड क्रिश्चियनिटी एम्परर कॉन्स्टाइन मेड क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन द ऑफिशियल रिलीजियन नाउ क्रिश्चियनिटी बिगेन टू नाउ क्रिश्चियनिटी बिगेन टू फ्लोरिश इन द स्टेट ठीक है। उसके बाद जो अगला चेंजमेंट क्या हुआ, इन द सेवेंथ सेंचुरी इन द सेवेंथ सेंचुरी इस्लाम रोज दिस रिलीजन ऑल्सो बिगेन टू बिकम पॉपुलर रैपिडली ये तो हुए भाई चेंज किसमें, रिलीजियस जो चेंज थे वो। नंबर टू एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव
सेटअप ऑफ द स्टेट ऑल्सो सा सेवन सिग्निफिकेंट चेंज सेवन सिग्निफिकेंट चेंज ठीक है भाई. दीज चेंज ऑकर्ड इन द दीज चेंज ऑकर्ड इन द टाइम ऑफ डायोक्लेशियन कब से 248 305 एंड कंटिन्यू टिल द टाइम ऑफ एंड कंटिन्यू टिल द टाइम ऑफ कॉन्स्टेंटाइन एंड आफ्टर हिम क्या क्या चेंज थे. फर्स्ट टाइम ऑफ डायोक्लेशियन चेंज इन द टाइम ऑफ डायोक्लेशियन फर्स्ट द एम्पायर हैड एक्सपेंडेड टू ए ग्रेट एक्सटेंट Many of its territories had no strategy, had no strategy. For economic value. Second, he fortified frontier frontiers of the empire अच्छा उसके बाद में थर्ड ही रीऑर्गेनाइज प्रोविंशियल बाउंड्री बाउंड्री फोर्थ ही सेपरेटेड सिविलियन
एक्रोमिलिट्री फंक्शन एंड ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी टू द मिलिट्री कमांडर्स. इट मेड मिलिट्री ऑफिशियल मोर पावरफुल. ये तो थे डाइक्लोशियन के चेंजमेंट के टाइम पे. और अगला हमारा चेंज इन द टाइम ऑफ कॉन्स्टेन इन द टाइम ऑफ कॉन्स्टेंट टाइम. फर्स्ट चेंजमेंट क्या हुआ कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पे. कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पे कॉन्स्टेंटाइन क्रिएटेड क्रिएटेड कॉन्स्टेंट टीनो पल कौन से टेम्पल एंड मेड इन द सेकेंड कैपिटल. इट वॉज सराउंडेड इन थ्री साइड It was surrounded three sides by the sea. By the sea. As a new capital, second, as the new capital required a new senate. There was a rapid expansion. Of the governing classes. In the 4th century,
ठीक है भाई, यहां तक ये हमारा इसका क्वेश्चन था।